नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को। दोस्तों, यहां पे सबसे पहली खबर की अगर बात करते हैं तो वार ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भारतीय सेना के लिए बने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को चालू करने की योजना बना रहा है और इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने डिफेंस एक्सपो में कहा है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो में प्रस्तावित डिजाइन का एक मॉडल भी लखनऊ में चल रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष हरि मोहन ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने सेना के लिए 1983 से 84 में आर्म पर्सनल कैरियर्स का निर्माण शुरू किया था, लेकिन अब ओबीएफ यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने सेना के लिए अपना फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट वाहन विकसित कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 85% काम तैयार हो चुका है और आने वाले महीनों में FICV पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अगले रक्षा प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित भी किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए $8 बिलियन यानी कि करीबन 60,000 करोड़ रुपए का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल यानी कि FICV प्रोजेक्ट रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने FICV के प्रोटोटाइप को विकसित करने के लिए 90% धन का निवेश करने के लिए उद्योग पर भी जोर दिया है, जो भारतीय सेना के बख्तरबंद वाहनों के आधुनिकरण के लिए है। सूत्रों ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाहनों की आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लेने में देरी कर रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि अंतिम उपयोगकर्ता जो कि भारतीय सेना है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच मतभेद है, जिसमें मेक सेकंड श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। भारत में बनने वाले FICV में न्यूनतम 40% स्वदेशी सामग्री होने की उम्मीद है। टीटागढ़ वैगन, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने अपने प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे हैं। कुछ संभावित मूल उपकरण निर्माताओं को मंजूरी देने के विषय में रोसबोरन एक्सपोर्ट के तहत आने वाली रूसी कंपनियां भी शामिल है। इसके अलावा US आधारित जनरल डायनेमिक भी है। आपको बता दें कि लगभग 2600 FICV जो कि 32 साल जिनका लाइफ साइकिल होगी, उनको 2025 में सेना के पुराने रूसी मूल के BMP-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों से बदलने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर आ रही है ब्रह्मोस का डाटा लीक करने वाले इंजीनियर को लेकर। जी हाँ, हनी ट्रैप में फंसे ब्रह्मोस यूनिट के सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। UPATS ने निशांत के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया है, इसी के आधार पर जमानत खारिज हुई है। निशांत पर रक्षा विभाग की गोपनीय सूचनाओं और इससे जुड़े दस्तावेज पाकिस्तान को लीक करने का आरोप है। UPATS को 2018 में इनपुट मिला था कि कानपुर के दो वैज्ञानिक समेत ब्रह्मोस के सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल हनी ट्रैप में फंसे हैं। निशांत रुड़की का रहने वाला है। मामले की जांच ATS कानपुर यूनिट को सौंपी गई। जांच के दौरान निशांत के खिलाफ साक्ष्य मिल गए और 8 अक्टूबर 2018 को ATS कानपुर यूनिट ने उसे नागपुर में गिरफ्तार कर लिया था। तब से निशांत जेल में है। कानपुर के दोनों वैज्ञानिकों के खिलाफ साक्ष्य ना मिलने के कारण उनको क्लीन चिट दी गई थी। तो दोस्तों, यानी कि निशांत अग्रवाल को जमानत इसकी खारिज कर दी गई है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के लिए DRDO 3 रोबोट की एक टीम तैयार कर रहा है। ये रोबोट की टीम आतंकियों का मुकाबला करने में सुरक्षा बलों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। कश्मीर जैसे इलाकों में छिपे आतंकियों पर नजर रखने और उनकी जानकारी सुरक्षा बलों तक देने का काम ये रोबोट करेंगे। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो में DRDO की टीम इसका बेसिक फंक्शन भी दिखा रही है। इस टीम में 3 तरह के रोबोट हैं। पहला रोबोट उस परिसर के बाहर नजर रखेगा जहां आतंकी होने की संभावना है। दूसरा रोबोट अंदर घुसेगा या सीढ़ियों पर चढ़ उतर भी सकता है, यानी कि यह दूसरे तीसरे फ्लोर पर भी आराम से जा सकता है। ये रोबोट निर्देश मिलने पर किसी भी चीज को हाथ से भी उठा सकता है। तीसरा रोबोट एक बहुत छोटे बॉल की तरह रोबोट होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर उसी परिसर के अंदर फेंका जा सकता है जहां आतंकी छिपे हैं। यह छोटा है, इसलिए कहीं भी छिप सकता है। इन रोबोटों के बारे में बताते हुए DRDO के एक साइंटिस्ट ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों को किसी जगह पर आतंकी छिपे होने की खबर मिलती है, ये 3 रोबोट की टीम उन्हें खत्म करने के ऑपरेशन में मदद करेगी। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में सबसे अहम पहलू होता है सटीक जानकारी का मिलना। ये पता लगाना है कि अंदर कितने आतंकी है, कितनी जगह है, उनकी क्या पोजीशन है, ताकि हमारी फोर्स को नुकसान कम हो। अक्सर ऐसे ऑपरेशन में आतंकियों को खत्म करने के साथ ही उनके हमले से बचना भी एक चुनौती होती है। ये 3 रोबोट लगातार लाइव वीडियो सुरक्षा बलों को कमांड सेंटर पर भेजेंगे। ऑपरेशन एरिया के बाहर तैनात संतरी रोबोट चक्कर लगा लगा कर हर हरकत को कैद कर वीडियो भेजेगा। जो एक रोबोट अंदर जाएगा वह ऊपर नीचे चढ़ उतर सकता है, जिससे वह अंदर के हालात की सटीक जानकारी दे सकता है। इन रोबोट्स में सेंसर और इंफ्रारेड लगे हैं, जिससे ये अंधेरे में भी काम कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। ये रात में होने वाले ऑपरेशन में काफ़ी अहम साबित होंगे। अभी ये वाईफाई के जरिए वीडियो रियल टाइम में कमांड सेंटर भेज सकते हैं। इन्हें ऑटोनॉमस बनाने पर भी काम चल रहा है।
DRDO के तहत आने वाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स कमांड और कंट्रोल सिस्टम नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। किसी भी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है और कैसे तकनीकों के जरिए उनको मदद दी जा सकती है, ऐसे कई प्रोजेक्टों पर DRDO काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी करंज दिसंबर तक भारतीय नौसेना को वितरित की जाएगी और सभी 6 पनडुब्बियों की डिलीवरी 2022 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि 2023 से शुरू होने वाले सभी स्कॉर्पिन पनडुब्बियों पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल फिट करने की चर्चा चल रही है। स्कॉर्पिन पनडुब्बियों में AIP प्रणाली से लैस होने की क्षमता है। पहला AIP पहले स्कॉर्पिन के पहले रिफिटिंग के दौरान इसे लगाया जाएगा। इस बारे में डिफेंस एक्सपो 2020 में भी जानकारी दी जा रही है। DRDO मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और नौसेना के साथ भी वार्ता चल रही है और इस साल के अंत तक DRDO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद थी। करंज को जनवरी 2018 में पानी में उतारा गया था और वर्तमान में यह समुद्री परीक्षणों के उन्नत चरणों में है। 2018 में पहले स्कॉर्पिन कुलवरी को कमीशन किया गया था, दूसरे स्कॉर्पिन खंडेरी को पिछले सितंबर में शामिल किया गया था। DRDO द्वारा वर्तमान में एक स्वदेशी ईंधन सेल आधारित AIP मॉडल का विकास किया जा रहा है। ये परियोजना अक्टूबर 2019 में एक पनडुब्बी के फॉर्म एंड फिट के लिए भूमि आधारित प्रोटोटाइप सफल संचालन के साथ एक मील के पत्थर तक पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें कि AIP मॉडल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक डूबे रहने की अनुमति देकर इनकी स्टिल्थ और इन्हें एक विस्तारित एंड्योरेंस टाइम देता है। इस परियोजना के तकनीकी कार्य को पूरा करने के लिए सिमुलेशन डिजाइन किया जा रहा है जिसमें जंबो सेशन विभिन्न ब्लॉकों को एक साथ काटने जोड़ने और डालने की प्रक्रिया भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारत और यूक्रेन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झांसी में भारत और यूक्रेन की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है जो आगामी यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा होगा। टाइटन एविएशन और एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक यूक्रेनियन कंपनी के साथ मिलकर रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल और विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए झांसी में 6000 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस उद्यम से झांसी में 38,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की उम्मीद है जो कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में सबसे बड़ा लाभार्थी होने की उम्मीद है। इसके अलावा हंस एनर्जी सिस्टम लिमिटेड ने कानपुर में सुरक्षा से संबंधित स्मार्ट उपकरणों के निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि मांगी है। इसके अलावा एंकर रिसर्च लैब्स ने एरोस्पेस और रक्षा में अनुसंधान और विकास क्षमताओं को स्थापित करने के लिए अलीगढ़ में 20 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर जापान के MPVS प्लेन को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसके दौरान महिंद्रा ग्रुप के हिस्से यानी कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने MPVS एयरक्राफ्ट विमानों के विनिर्माण और संयोजन के लिए शिनमाइवा इंडस्ट्री के साथ समझौता किया था। लगभग 12 से 18 खोज और बचाव वाले इन एयरक्राफ्ट के लिए भारत इच्छुक है जिससे भारत की पहुंच और क्षमता का विस्तार होगा और जब इन विमानों का अधिग्रहण हो जाएगा जापान से तो इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। भारत और जापान यानी कि दोनों पक्ष 2011 से चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इस सौदे को भारत अभी बंद नहीं करना चाहता है। भारत और जापान दोनों ही पक्षों द्वारा मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम की तलाश की जा रही है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार से सरकारी मार्ग पर सौदे करने और भारत में निर्मित होने के लिए बातचीत करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है कि जापान की सरकार भारत में एक MRO सुविधा स्थापित करने और तीसरे देश में विमान को निर्यात करने की संभावना की पेशकश कर रही है। अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में भारत और जापान दोनों पहले इस सौदे को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।